a topic table of content, how to create a table of content in MS Word document. किस तरीके से हम MS Word document पे table of content दे सकते हैं, किस तरीके से उसको create करते हैं, वो हम practically आज जानेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं table of content का मतलब क्या होता है, कि कोई book का index है, यानी कि book की indexing जो है फ्रंट पेज पे जो रहती है, यानी कि चैप्टर वाइज कि फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पेज नंबर के अकॉर्डिंग, तो उसको किस तरीके से हम एमएस वर्ड पे क्रिएट कर सकते हैं. होता है ना कि फर्स्ट चैप्टर पेज वन से लेके पेज फाइव तक, देन हम तुरंत नंबर देखते हैं और चैप्टर वो चैप्टर ओपन कर लेते हैं. तो आइए सीखते हैं किस तरीके से हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चैप्टर को ऐड करना पड़ेगा. सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं. देन आपके चैप्टर का नाम जो भी लाइक एमएस वर्ड, देन आपको यहाँ पे कोई भी मैटर जो भी एमएस वर्ड में जो भी आप बुक होती है पेज वाइज जितने भी पेजेस होंगे वहां पे मैटर होगा, तो उस मैटर को हम एंटर करेंगे. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट पेज पे हम एंटर करते हैं चैप्टर को, चैप्टर टू एमएस एक्सेल. देन यहाँ पे जो भी मैटर हमें रखना होगा मैटर हम रख देंगे. ये हमने दो चैप्टर बना लिए फर्स्ट चैप्टर. तो सबसे पहले हम आते हैं रेफरेंसेस में, रेफरेंस में आते हैं और चैप्टर वन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं. देन गो टू द एड टेक्स्ट ऑप्शन एंड सेलेक्ट लेबल वन ऑप्शन फॉर चैप्टर वन एंड सेकेंड ऑप्शन एमएस वर्ड. एमएस वर्ड के लिए हम एड टेक्स्ट में आएंगे और लेबल टू के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. देन वही रिपीट करेंगे चैप्टर टू को एड टेक्स्ट में लेबल वन, देन एमएस एक्सेल जो हमारा चैप्टर नेम है उसको लेबल टू में ऐड करेंगे. ये दो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हमें चैप्टर वन के पास कर्सर को ब्लिंक कराना है, देन एंटर करके कर्सर को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ से हमें एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कराना होगा. इंसर्ट में जाएंगे, ब्लैंक पेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से ब्लैंक पेज इंसर्ट करा देंगे. देखिए ब्लैंक पेज आपका आ गया. इस ब्लैंक पेज पे अब हमको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट कराना है. तो यहाँ पे हम आएंगे रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट में जैसे ही टेबल लेंगे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए चैप्टर वन एमएस वर्ड, चैप्टर टू एमएस एक्सेल. साथ ही साथ इसमें ये भी है कि अगर आपको सपोज कीजिए, देखिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा पेज नहीं लिया था इसलिए पेज नंबर थ्री, बिकॉज कि हमने एक पेज इंसर्ट कराया तो दो पेज ऊपर दो पेज इंसर्ट हुए, तो इस वजह से ये थ्री पोजीशन पे है और ये फोर्थ पोजीशन पे है. अगर पेज आप बढ़ाएंगे जैसे एमएस वर्ड के पेज में आपने 10 पेज लिए 20 पेज लिए जितने भी पेज लिए तो यहाँ पे आपका पेज नंबर भी देगा 1 to 20, 1 to 10 एज लाइक दैट. अगर हमें सपोज कीजिए कि डायरेक्ट जंप करना है चैप्टर टू एमएस एक्सेल पे, तो हमें कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पे देखेंगे तो एरो एक लिंक बनेगा, इस लिंक पे हमें क्लिक करना है. जैसे ही क्लिक करते हैं ये ऑटोमेटिकली आपका एमएस एक्सेल का जो डॉक्यूमेंट है यानी कि वो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, वेट फॉर दैट. कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करेंगे, देन आपका जो चैप्टर टू है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट से, टेबल ऑफ इंडेक्स से उस पर्टिकुलर चैप्टर पे, उस पर्टिकुलर लेसन पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं. आपको करना है बस कंट्रोल की को प्रेस करना है, देन क्लिक करना है, आप स्किप करके उस चैप्टर पे पहुंच जाएंगे.
तो डायरेक्टली आप देखेंगे कि आप चैप्टर 2 पे एमएस एक्सेल ये हमने बनाया था, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जंप कर गए, ये चैप्टर 1 एमएस वर्ड है। तो ये होता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर सपोज कीजिए कि हमें कोई और भी चैप्टर ऐड करना है, तो हम एंटर करके नीचे आएंगे नए पेज पे, नए पेज पे हमने एक चैप्टर को लिया चैप्टर 3, चैप्टर का नाम हमने डाल दिया एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। देन वही काम सेम काम, चैप्टर 3 को ऐड टेक्स्ट में जाएंगे, लेबल 1 पे क्लिक करेंगे, देन चैप्टर नेम को ऐड टेक्स्ट में जाकर लेबल 2 पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके इंडेक्स में ये अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी नया चैप्टर बनाया है तो वो अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे अपडेट टेबल का ऑप्शन, अपडेट टेबल के ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू आएगा जिसमें आपको लिखा होगा, बताएगा कि अपडेट पेज नंबर ओनली और अपडेट इंटायर टेबल। तो आपको पूरे टेबल को अपडेट करना है तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके करते हैं देखिए चैप्टर 3 एमएस पावर पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से आप अपडेट टेबल का यूज कर सकते हैं, ऐड टेबल का यूज कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट का यूज कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट का यूज इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसको आप प्रैक्टिकली एक बार ट्राई कीजिएगा और समझ लीजिएगा।